स्टूडेंट्स माई नेम इज डॉक्टर राजेश कुमार शर्मा असिस्टेंट प्रोफेसर आई पी एम माई क्वालिफिकेशन इज एम एस सी एम एड एंड फिर पी एच डी और टीचिंग एक्सपीरियंस फोर्टीन ईयर्स ए डबल जी साइंस टॉपिक केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन तो जैसा कि स्टूडेंट आज का टॉपिक है हमारा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन उसमें आपको जो बी एड एंट्रेंस के टॉपिक हैं उसमें सबसे मेन टॉपिक में आपको केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन के बारे में बताया जाएगा इंट्रोडक्शन टू केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, फिजिकल एंड केमिकल चेंज केमिकल चेंज वन और मोर न्यू सब्सटेंसेस बोथ न्यू फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर फॉर्ड केमिकल चेंज जिसमें एक या एक से अधिक नए सब्सटेंस बनते हैं वे केमिकल चेंज कहलाते हैं फिजिकल चेंज फिजिकल चेंज इन कलर और स्टेट ऑकवर्ड्स बट नो न्यू सब्सटेंस फॉर इसमें नए पदार्थ नहीं बनते हैं ये फिजिकल चेंज कहलाते हैं जैसा एग्जाम्पल में हम कह सकते हैं वाटर चेंज टू स्टीम ऑन बॉयलिंग बट नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्ड इवेन थ्रो स्टीम एंड वाटर लुक डिफरेंट वेन दे आर मेड टू रिएक्ट विद ए पीस ऑफ सोडियम एन ए विद रिएक्ट द सेम वे एंड गिव द एग्जैक्ट सेम प्रोडक्ट दिस इन्वॉल्व ओनली ए चेंज इन स्टेट लिक्विड टू वेपर। इन केमिकल रिएक्शन बिटवीन सल्फ्यूरिक एसिड एंड बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन व्हाइट प्रेस्पिटेट फॉर्म जब हम सल्फ्यूरिक एसिड एस टू एस फोर की और बी एस यूएल टू की रिएक्शन करते हैं तो हमें व्हाइट प्रेसपिटेट के रूप में हाइड्रोक्लोरिक एसिड बेरियम सल्फेट क्लोरिन सल्फर इस प्रकार आपको प्राप्त होता है यदि रेस्पायरेशन प्रोसेस की बात करते हैं हम रेस्पायरेशन प्रोसेस में ड्यूरिंग विच ग्लूकोज अंडर गो स्लो कम्बन बाई कम्बाइनिंग विद ऑक्सीजन इन द सेल ऑफ आवर बॉडी टू प्रोड्यूस एनर्जी जब एनर्जी निकलती है तो किस प्रकार की रिएक्शंस होती हैं एक्सोथर्मिक प्रोसेस है एंडोथर्मिक प्रोसेस है रिवर्सेबल प्रोसेस है फिजिकल प्रोसेस है तो ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस कहलाता है इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपको एंट्रेंस में पूछे जा सकते हैं ऑब्जर्वेशन दैट हेल्प डिटरमाइंड ए केमिकल केमिकल रिएक्शन रिएक्शन कैन बी द हेल्प ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन ए केमिकल रिएक्शन को निर्धारित किया जा सकता है किस प्रकार इवोल्यूशन ऑफ गैस गैस का विकास करके चेंज इन टेम्परेचर टेम्परेचर में बदलाव करके फॉर्मेशन ऑफ प्रेस्पिटेट चेंज इन कलर एंड चेंज ऑफ स्टेट अर्थात रंग और अवस्था में परिवर्तन करने के बाद चेंज केमिकल रिएक्शन में आता है उसके बाद एक क्वेश्चन आता है इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वन ऑफ द मोस्ट फॉलोइंग प्रोसेस डज नॉट इन्वॉल्व इन केमिकल रिएक्शन दैट इज तो ये चार ऑप्शन आपको मिले मेल्टिंग ऑफ कैंडल वैक्स एनहीटेड बर्निंग ऑफ कैंडल वैक्स वैन हीटेड डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर स्टोमक रिफाइनिंग ऑफ बनाना तो इसका जो आंसर है मेल्टिंग ऑफ कैंडल वैक्स वैन हीटेड अर्थात जब कैंडल को जलाया जाता है यानी कि उसको हीट किया जाता है तब ये केमिकल प्रोसेस के रूप में काम करती है केमिकल प्रोसेस के रूप में काम नहीं करती है इट इज़ नेसेसरी टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन और केमिकल इक्वेशन के लिए बैलेंस के लिए टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोशन है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है कंजर्वेशन ऑफ मास है अर्थात इसका जो आंसर है वो कंजर्वेशन ऑफ मास है उसके पीछे भी कारण है क्यों है क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ मास जो किसी भी वस्तु का जो द्रव्यमान है जब हम उसकी भार की बात करते हैं तो भार एम और जी मिलने के बाद भार का निर्माण होता है भार बनता है और मास जो होता है वो उस वस्तु का टोटल द्रव्यमान होता है और उस द्रव्यमान के आधार पर ही हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं इसलिए इसका आंसर यही हुआ इस प्रकार कुछ एग्जाम्पल और दिए हैं जैसे सी एच फोर प्लस टू ओ टू इज इक्वल सी ओ टू प्लस टू एस टू ओ पी वी थ्री एन ओ एन ओ थ्री का होल्ट ट्वाइस टू के आई पी वी आई टू टू के एन ओ एस सी ए ओ प्लस एस टू ओ सी ओ एच का होल्ट ट्वाइस सी ओ एस ओ फोर प्लस जेड एन प्लस जेड एन एस ओ फोर प्लस सी ओ तो इसमें कौन कौन सी इन इक्वेशनों में कौन कौन सी रिएक्शंस हुई तो देखिए सी एच फोर प्लस टू ओ टू सी ओ टू बनाए ये कम्बंसन रिएक्शन हो गई ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी हो गई ये आपने पढ़ चुके हैं केवल आपको एक मेमोराइज याद किया कराया जा रहा है और पी वी एन ओ थ्री का होल्टवाइज टू के आई पी वी आई टू टू के एन ओ यह डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है डबल डिस्प्लेसमेंट है यानी कि टू टू दोनों तरफ से लिया गया जब उधर आया टू के एन ओ एस में और सी ए प्लस एस टू सी एस का होल्टवाइज ये सारी की सारी रिएक्शन जुड़ गई है इसमें कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर जुड़ गया है तो ये बन गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन और सी यू एस ओ फोर प्लस जेड एन जेड एन एस ओर प्लस सी यू यानी कि इसमें सी यू का सी यू का डिस्प्लेसमेंट हो गया और सी यू अलग निकल गया और जेड एन आ गया जेड एन एस ओ फोर ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई तो इस इस प्रकार कुछ एग्जाम्पल हैं स्टेट वन बेसिक डिफरेंट बिटवीन ए फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज एक ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक बेसिक डिफरेंट बताएं इस प्रकार से एक नंबर में भी इसका बहुविकल्प भी ऑब्जर बन सकता है ऑब्जेक्टिव टाइप बन सकता है इन फिजिकल चेंज नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्ड बिल्कुल क्लियर है फिजिकल चेंज में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है वे इन केमिकल चेंज न्यू सब्सटेंस फॉर्म और केमिकल चेंज में नया पदार्थ बनता है उसके बाद आता है डिफाइन कॉम्बिनेशन रिएक्शन वन एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन विच इज आल्सो एग्जोथर्मिक तो इसका आंसर होता है ये भी एक नंबर में बहुविकल्प में भी बन सकता है ये रिएक्शन इन विच टू एलिमेंट और कंपाउंड कंबाइंड टू फॉर्म ए सिंगल कंपाउंड एक रिएक्शन जो दो एलिमेंट या कंपाउंड यौगिकों को मिलाने के बाद में एक सिंगल कंपाउंड बनता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन में टोटल एक जुड़ जाता है एक प्रोडक्ट कोई भी प्राप्त हो जाता है इट इज आल्सो एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन और ये इस प्रकार की एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी कहलाती है जो के हीट इज एवॉल्ड जिसमें कि हीट आती है थैंक यू तो इस प्रकार हम ये ए, कुछ पॉइंट्स हैं हमारे जिनको हम तैयार कर सकते हैं और अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं